ये पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी का एक मैनिफेस्टो है। इस मैनिफेस्टो की बुनियाद पर लॉ फ्रेम किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द पीरियड, अकॉर्डिंग टू द लैंड, कि आप किस एरिया में रह रहे हैं, कि मतलब आप अमेरिका में रह रहे हैं या भारत में रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली अलग भी लॉ हो सकता है। तो लेकिन बेसिक प्रिंसिपल कुरान रहेगा, कुरान ने जो गाइडलाइन प्रोवाइड की है उसकी बुनियाद पर कानून बनेगा, वो बदलता रहेगा हर जमाने में। तो मुझे ये बताइए कि मुस्लिम बसरा लॉ साल में बदला, तो मैं ये जानना चाहता हूं मुस्लिम बसरा लॉ बोर्ड की जो खिलाफत है वो कह रही नहीं, ये देश की अखंडता के खिलाफ है। जनाबे अली मैं जानना चाहता हूँ। देखिए प्रतीक जी, यहाँ बात हो रही है मुस्लिम महिला की, यूसीसी की तो बात ये नहीं हो रही है। नहीं नहीं, मैं यूसीसी में बात कर रहा हूँ, मैं कोई गलत फहमी प्रोग्राम से नहीं फैलाना चाहता, यूसीसी में बात कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, जितने लोगों ने बोला, प्रोफेसर साहब ने बोला, शालिनी ने बोला, यूसीसी में मुस्लिम महिला की बात ज्यादा हो रही है। 90 के दशक में आपको याद दिला दूं, 1,00,000 से ज्यादा मुकदमे, मतलब लड़कियों को जला के मार दिया गया किचन के अंदर, दहेज के लिए। और क्यों मार दिया गया? क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में उस लड़की से वो मुक्ति नहीं पा सकते जो उनके परिवार में एडजस्ट नहीं कर पा रही है। उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने, चूंकि कानून में संविधान में कोई प्रोविजन नहीं था कि हम उससे मुक्ति पा जाए, उनके पास एक ही रास्ता पूरा होने दीजिए। देखिए, एक ही रास्ता था, उनको जला के मार दिया। जनाबे अली, हिंदुओं में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मैरिज, बहुत बहुत प्रैक्टिकली मैं आ रहा उसी पा रहा हूँ, मैं उसी पा रहा हूँ। लेकिन ह्यूमैनिटी को अगर सुन लीजिए, आज तलाक, एक मिनट, आज हिंदू में तलाक हो रहा है कि नहीं? हिंदू में हो रहा है ना तलाक? और अगर तलाक सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को हम उनके ही परिवार के अंदर किचन में जलते हुए नहीं देख सकते, इसलिए प्रोविजन आया तलाक का। दहेज में दहेज, देखिए दो चीजें हम मिला रहे हैं वहां पे, ये बात नहीं थी। महिलाओं की चिंता, दहेज में वो जला के हिंदू मार रहा है। समझ लीजिए, दहेज में प्रताड़ना जो है उसका बात है, डिवोर्स तो तब भी हो सकते थे, पहले भी नहीं हो सकता, ये सिस्टम में नहीं था। मैं चाहूंगा दुरुस्त किया जाए। अगर सुन लीजिए, अगर उनको दूसरी दूसरी पत्नी रखने का अधिकार मिलता तो निश्चित रूप से मुसलमान क्यों नहीं जल लड़कियां जलती हैं? क्योंकि वहां प्रोविजन है कि अगर आप आसानी से, एक मिनट, मुस्लिम लड़कियां इसलिए नहीं, एक मिनट प्रोफेसर साहब, घबराइए मत, बहुत जल्दी बेचैन हो जाते हैं आप, थोड़ा धैर्य रखिए, अभी थोड़े पास हो रहा है। मुस्लिम लड़कियां इसलिए किचन में नहीं मर, एक मिनट, मुस्लिम लड़कियां इसलिए किचन में नहीं मरती, वहां रास्ते अल्लाह ने खोल रखे हैं। हाँ, तो कि अगर आपको, अगर आपकी नापसंद है तो आप रास्ता बदल सकते हैं। नहीं नहीं, आप सुन लीजिए, नापसंद है, मैं डिबेट को इस तरह से चाहता हूँ आज कि एक हेल्दी डिबेट हो। हाँ सुनिए, मुस्लिम लड़कियां इसलिए नहीं मरती कि वहां रास्ता खुला हुआ है, आपका सेपरेशन का रास्ता आसान है, लड़कियां भी तिलाक देती हैं। और इस्लाम ने 1,800 साल, आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों को, मैं इस्लाम में 1400 साल से, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला के लिए, क्या मुस्लिम महिला, मैं एक सवाल, मुस्लिम महिला के लिए डिवोर्स लेना आसान है? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, जिस तरह से आदमी, सुन लीजिए, जिस तरह से आदमी, अरे ये मुसलमान है नहीं, आपको किसने कह दिया मुसलमान नहीं हो? मैंने, आपने मेरा जी, मैं समझा नहीं था, आप कैसे कह सकते हैं? मेरा पूरा नाम सुन लीजिएगा, और आपको जितनी मैं आए थे सुना देती हूँ टीवी डिबेट में ही, उतनी आप लोग समझते भी नहीं है। मैं गलतफहमी था, आप मुसलमान ही, मैं नहीं जानता था, क्योंकि थोड़ा सा लगता है आपको, हमसे भी ये, आपको हमसे भी ये सवाल, मैंने मेरे साथ जुड़ी है, आपको हमसे भी बात, सुन लीजिए, हिंदू मुसलमान में, सुन लीजिए, कोई भेद मैं नहीं कर रहा, मैं करेक्ट करता हूं, देखिए पहले जनाब, जनाब सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करता हूं, जनाब जनाब जनाब, मैं आपको एक चीज करेक्ट करना चाहता हूँ, पर्सनल कमेंट डिबेट में, आजकल देखिए मुझे जानकारी नहीं थी इसलिए, आजकल टेलीविजन की डिबेट में चल चुका है कि पर्सनल कमेंट कर रहा है, ये मुस्लिम नहीं है, ये यहाँ पे इतने अच्छे, मुझे नहीं पता था ना इनके बारे में, तो क्या बोले, मैं इसके लिए मुस्लिम की बात, अरे भाई आपको अगर बुरा लगा तो मैं आपसे माफी मांग सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मुसलमान हो हिंदू इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरी बहन है और आपकी, अगर आपको मेरे भी लॉ पढ़ा है, मुस्लिम जुरिपिटेंस पढ़ा ही होगा, आप हिंदू भी हैं तो हमारी बहन ही होगा, मुसलमान भी हैं तो हमारी बहन है, सिख भी हैं तो हमारी बहन है, क्रिश्चियन भी हैं तो इस भारत की बेटी है, आपका विरोध मैं जानना चाहता हूं, विरोध क्यों है? कोई विरोध नहीं, यूसीसी से विरोध क्यों है, यह जानना चाहता हूं, विरोध इसलिए है कि जिस तरह से हिंदू बच्चियां किचन में जला के मारी जाने लगी, उसी तरह मुसलमान बच्चियां भी मारी जाएंगी। यूसीसी आने से जब प्लीज होल्ड, शादी करने से आप रोक देंगे,
आप दूसरी आपको प्रतीक जी आज भी अगर कोई एक लाख हजार मुकदमे के लिए जला के इस महीने में 20,000 मुकदमे लिखे गए आराम से डिबेट जी प्रतीक जी आज भी प्रोफेसर अगर आज भी कोई बहन खुला लेना चाहती है उसको 10 बार उसके घर वाले कटघरे में खड़ा करते हैं खुला लेना आसान नहीं है खुला मैं बता दूं खुला उसको अपने हाथ जो है वो खुला का मतलब ये हुआ कि जब वुमेन आस्क फॉर डिवोर्स खुला मतलब वो और उसके आप उसके अलावा आप ये देख लीजिए इसका प्रोविजन भी है इसमें तीन तरीके हैं नहीं वो औरत को राइट है वो तलाक दे सकती है लेकिन आप जब जाते हैं काजी के पास में तो पहले की जरूरत नहीं है उसमें हुआ जाता उसमें काजी की जरूरत नहीं है और ये गलतफहमी बढ़ रही है एक तलाक है तफवीज है काजी पहले फैमिली को पहले तो प्लीज मैं रियली वेरी सॉरी दुनिया में किसी औरत को मुसलमान के अलावा ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो तलाक खुद से अपने शौहर को दे सके सिवाय मुस्लिम औरत के तलाक तफवीज के लिए मुश्किल है बहुत मुश्किल है आप अपने डेटा में निकलवाइएगा मुझे मालूम है मुझे मालूम है चीजें तलाक लेने के लिए भाई मेरे साथ 8,00,000 बहनें पूरे भारतवर्ष से जुड़ी हुई है आज मैं आपको मैसेज दिखा देती हूँ गलत गवाही देकर लोग आज भी 3 महीने के अंदर तलाक दे देते हैं ये सारी चीजें तलाक महिला का सवाल सुन ले 2 मिनट क्या मुद्दे हैं तलाक मुझे बताइए अगर पति और पत्नी घर वाले आराम से रह रहे होंगे तो किसी भी मुसलमान क्या हिंदू क्या पारसी क्या सिख क्या किसी को तलाक नहीं पसंद है आसानी तब हो जाएगी जब आप वो लॉ लेकर आ जाते हैं और आपके सामने ये मुद्दा आ जाता है जैसे ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया ट्रिपल तलाक के लिए लॉ आया आज आप देख लीजिए ट्रिपल तलाक के केसेस कितने कम हो गए दूसरी चीज पॉलीगैमी कितने लोग हैं जो 4 शादियां कर रहे हैं 3 कर रहे हैं 2 कर रहे हैं एक निभाना इतना मुश्किल होता है तो क्यों आप विरोध कर रहे हैं पॉलीगामी का नाम लेकर तीसरी चीज मैं दे रहा हूं अगर इस पे अमल हो ही नहीं रहा जैसा कि आप फरमा रही हैं तो खत्म करने की भी क्या जरूरत है एक प्रोविजन है जो हाईली कंडीशनल है वो हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने खुद अडॉप्ट किया एक ऐसे बच्चे को अडॉप्ट किया जो कि एक स्लेव था उसको उन्होंने अडॉप्ट किया और नाम दिया बट प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की क्यों ये भी बताइए ना उसका परिवार आ गया था क्योंकि उस बच्चे का परिवार आया परिवार ने बोला ये हमारा बच्चा था उसके लिए कानून इस वजह से अडॉप्शन की वजह से सवाल इससे बड़ा है सवाल मैं आ गया सवाल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है जो इस्लामिक कानून की यहां पर गवाही दे रहे हैं उनसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में मुझे मालूम है कि फिर कहेंगे कि जो यहां पे मुस्लिम की आबादी है वो किस सेक्ट को मानने वाले हैं वो भी एक सवाल आएगा लेकिन हाँ सवाल तो पूछा जा सकता है मुस्लिम तो शरिया क्या पाकिस्तान में क्या बांग्लादेश में क्या मिस्र में क्या सऊदी अरेबिया में क्या वुमेन राइट्स को लेकर बात नहीं हुई है मैं यही चाह रहा था कि आप ये सवाल पूछे तो फिर आपने शरिया का सवाल क्यों उठाया फिर उससे जब हिंदुस्तान में है तो जब आप हिंदुस्तान में है तो फिर क्यों सर फिर जी शरिया पे चलने का अधिकार हमारा संविधान देता नहीं देता है ना फिर आपने क्यों देता है ना तो आप हमको मिला देंगे पाकिस्तान से हमको मिला देंगे बांग्लादेश से हमें क्या करना तो फिर हमने सवाल आपसे पूछा भारत की एकता के पॉलीगैमी पे तकलीफ है पॉलीगैमी पे तकलीफ है ना बताइए आप आपके वालिद साहब भी होंगे उन्होंने 2 शादियां करी नहीं करी नहीं आपके मामू ने करी नहीं आपके भाई ने नहीं आपके रिश्तेदारी में कितने लोगों ने करी क्या कह रही हूं जब नहीं करी तो आपको लाने में काहे के लिए आप जो है सवाल ये भी है करी नहीं लेकिन हल्ला मचाया जा रहा है नहीं जब्बार साहब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन के चौथे हिस्से में पॉलीगैमी है या नहीं है मैं आपसे पॉलीगैमी है या नहीं है
हिमाचल के अंदर पॉलीगेमी है या नहीं है गोवा में बताइए ना। गोवा में गोवा गजब बात है, यहाँ यहाँ नहीं बोलेंगी। पहले विरोध करो गोवा का, गोवा का विरोध। वन बाय वन एक हिंदू लॉ बता दीजिए कि जिसमें पॉलीगेमी को रिफ्यूज किया गया हो। मैं एक हिंदू लॉ बता दीजिए। मैं आपसे एक और मुसलमानों में तो रेस्ट्रिक्टेड है चार सारी ऑडियो डाउन करेंगे, सारी ऑडियो डाउन करेंगे, सारे लोगों की ऑडियो डाउन करेंगे। मैं शालिनी, सारी ऑडियो डाउन है सर, रहमानी साहब ऑडियो डाउन है। वैसे शालिनी जी आपकी इस बात से बिल्कुल मैं सहमत हूं कि चार शादियां नहीं हो रही, एक निभाई नहीं जा पा रही ढंग से, अच्छी तरह से चल जाए वही बहुत है, चार की बात ही अलग है। लेकिन मैं आपसे यह बात सवाल जवाब साहब पूछना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने पढ़ा ही होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट जो आप उसमें बहुत ध्यान देते हैं, बार बार कोर्ट करते हैं, 1980 से लगातार नजीरें हैं, सुप्रीम कोर्ट बार बार आपसे कह रहा है कि आप क्यों नहीं बढ़ते उस तरफ, क्यों नहीं, तो क्या वो झूठ है या सुप्रीम कोर्ट की नजर वहां तक नहीं है या कहीं ना कहीं कुछ फ्लैटन है नजर, ये मैं जानना चाहता हूं आपसे, पूछूंगा वक्त छोड़ से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं पसमानदा मुसलमान की तरफ ही पढ़ूंगा। थैंक यू सो मच।